हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 में हम एक्सरसाइज 9.5 के बचे हुए क्वेश्चन से उनको डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपके लिए थर्ड क्वेश्चन लिया, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वेयर्स बाई यूजिंग द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को यूज़ करके ये स्क्वेयर सबको फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे ये a माइनस बी होल स्क्वेयर है, तो यहाँ पे यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, a माइनस बी और इसका ही होल स्क्वेयर। तो क्या होता है ये, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, ये वाली आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे, जहाँ पर ए ये है और बी ये है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बी माइनस सेवन और इसका होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो क्या करते हैं, स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट। तो स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वेयर ऑफ सेकेंड माइनस टू, फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट ये है और ये सेकेंड क्या है, ये है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, बी माइनस सेवन और इसका होल स्क्वेयर क्या आएगा, यहाँ से बी स्क्वेयर और इसका यहाँ पे करते हैं तो सेवन का स्क्वायर 49 आ गया। और इसको जब साइन का देखते हैं तो माइनस का साइन आएगा, दो को सात से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। और ये बी आ गया, तो इस तरह से बी स्क्वेयर प्लस 49 और माइनस 14 बी, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये वाला आंसर। अभी स्टूडेंट्स हम लोग अपना सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें अलग आइडेंटिटी यूज होगी, तो यूजिंग यहाँ पे ए है, ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो ए प्लस बी और इसका ये होल स्क्वेयर। तो क्या रहेगा ये, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस टू ए बी, ये वाली आइडेंटिटी आपकी लगेगी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स वाई प्लस 3 जेड और इसका ये होल स्क्वेयर करना। तो स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो एक्स वाई सॉरी ये एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई और इसका स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर ऑफ सेकेंड, ये 3 जेड और इसका स्क्वेयर प्लस टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी एक्स वाई और उसके बाद ये 3 जेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई प्लस 3 जेड और इसका ये होल स्क्वेयर। तो यहाँ से करते हैं तो ये एक्स स्क्वेयर और ये वाई स्क्वेयर आ गया, प्लस फिर ये स्क्वेयर है, ये 3 पे भी जाएगा, जेड पे भी जाएगा, तो ये 9 जेड स्क्वेयर हो गया। उसके बाद प्लस ये 2 है और ये 3 है, तो 2 3 6 हो गए, फिर एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई पर ये जेड हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें, यहाँ से एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 9 जेड स्क्वेयर और प्लस 6 XYZ, ये आपका आंसर रहेगा। तो आप लोग इसको अच्छी तरह देख लेंगे। अभी स्टूडेंट्स हम लोग अपना थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ से ये आपका इसमें आइडेंटिटी जो है वो आप कौन सी यूज़ करेंगे, यहाँ से ए माइनस बी और इसका ये होल स्क्वेयर यूज़ करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ये और ये इनके बीच में माइनस साइन और होल स्क्वेयर दे रखा। तो यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस टू ए बी, ये होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 6 X² माइनस 5 Y, ठीक है, 6 X² और माइनस 5 Y, इसका जब स्क्वेयर करते हैं तो यहाँ पे स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट, तो 6 X² और इसका भी स्क्वेयर प्लस 5 Y और इसका स्क्वेयर, फिर माइनस 2 ए क्या आपका 6 A² ये 6 X² है ये, और ये है 5 Y, बी है आपका 5 Y, ये फर्स्ट और सेकंड है। यहाँ पे देखो स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वेयर ऑफ सेकंड माइनस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड, ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। तो सारा का सारा हमने लिख दिया, अब इसको हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से स्क्वेयर है, इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, तो 6 का स्क्वेयर तो 36 हो गया। अब ये एक्स स्क्वेयर है और यहाँ पे दोनों स्क्वेयर स्क्वेयर हैं, तो यहाँ पे दोनों पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये एक्स की पावर कितनी होगी, 4, प्लस यहाँ पे भी इसी तरह से करना पड़ेगा, इसका जो स्क्वेयर इस पे भी जाएगा तो ये कितना हो गया, 25, और इसके ऊपर भी जाएगा तो ये वाई स्क्वेयर हो गया, ठीक है। फिर साइन का इसमें डिसाइड करते हैं, तो साइन कौन सा रहेगा, इसमें माइनस का रहेगा। अभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 6 किया था 12 को 5 किया तो 60 आ गया, तो 60, और फिर ये एक्स स्क्वेयर और ये वाई, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो अपना जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 36 X⁴ माइनस 60 X² y, तो माइनस 60 X² y और ये 25 Y² ये दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो दोनों टर्म्स हैं आपकी बुक जो है उसमें अलग मिल सकती हैं आपको, क्योंकि हमने जो आइडेंटिटी है वो इस तरह से लिखी है, उसमें बुक में क्या दिया हुआ मिलेगा, ए स्क्वेयर माइनस 2 AB और फिर प्लस बी स्क्वेयर मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग ये वाला कर सकते हैं, थोड़े से इसमें टर्म्स वो आगे पीछे लिखे हुए मिल सकती हैं, तो इसमें आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये टर्म आगे पीछे हो सकती है आपकी, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन अपना कर सकते हैं, तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। चलो इसमें फ्रैक्शन का तो मैं बता देता हूँ आपको, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यूजिंग ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी और इसका ये होल स्क्वेयर हो गया। तो क्या करेंगे,
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस टू ए बी, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 2/3 m प्लस 3/2 n और इसका ये होल स्क्वेयर। तो क्या करते हैं, स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट, तो 2/3 m और इसका ये स्क्वेयर, प्लस स्क्वेयर ऑफ सेकेंड 3/2 n और इसका स्क्वेयर, फिर प्लस टू, फर्स्ट क्या है 2/3 m और सेकेंड क्या है 3/2 n, ठीक है। तो ये इसको सोल्व करना, तो इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से इसका स्क्वेयर करते हैं, इसका स्क्वेयर करते हैं, तो स्क्वेयर ये इस पे जाएगा तो 4 आ गया, इस पे जाएगा तो कितना आ गया, 9 आ गया, और ये m के ऊपर जाए तो m स्क्वेयर आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह से इसमें ये स्क्वेयर इस पे जाएगा तो ये कितना आएगा, 9, और इस पे ये जाएगा तो ये कितना हो गया, 4, और ये एन स्क्वेयर। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, तो 2 × 2/3 और × 3/2 और ये m n, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये 3 से तो ये 3 काट देता हूँ, 2 से 2 काट देता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 4/9 m² प्लस 9/4 n² और प्लस 2 m n, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग ये आंसर देख सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग ये अपना पॉइंट्स वाला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो इसमें भी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इसमें हमारी आइडेंटिटी लगेगी a - b और इसका होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे यूजिंग कर देता हूँ, तो ये क्या आएगा, a² + b² और -2ab, ये वाली आइडेंटिटी आपके इसमें लगेगी। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे तो स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से ये, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो 0.5p, ठीक है, और माइनस, सॉरी 0.4 है ये, 0.4p माइनस 0.5q है, ठीक है, और ये इसका होल स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से 0.4p, 0.4p हो गया और 0.5q, तो ये हो गया 0.5q, तो इसको करते हैं स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे 0.4p और इसका स्क्वेयर प्लस 0.5q और इसका ये स्क्वेयर, स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट, स्क्वेयर ऑफ सेकंड प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा तो -2, और फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट क्या है 0.4p और सेकंड है 0.5 q, ये आपका आ जाएगा। तो इसमें हम लोग आगे सोल्व करते हैं, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 16 हो गए, तो 16 तो ये आ गए, और कितने के बाद लग जाएगा ये पॉइंट, यहाँ पे लगेगा और ये p² आ गया। उसके बाद इसका करते हैं तो 5 × 5 = 25 आ गए, तो 25 यहाँ पे आएगा, तो कितने के बाद, सॉरी पॉइंट यहाँ पे लगेगा, सॉरी यहाँ पॉइंट नहीं आएगा, ये पॉइंट यहाँ लगेगा, 4 × 16 हो गए ना, तो 2 के बाद लगेगा इसमें, ठीक है। इसमें 5 × 5 = 25 हैं, तो यहाँ पे लग जाएगा 0.25 और ये q², ठीक है, -2, और ये इनको मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 और ये मल्टीप्लाई 0.5 और ये pq, थोड़ा सा आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.16 p², फिर 0.25 q² माइनस, अभी इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से 5 × 20 हो गए, 20 × 40 हो गए, तो 40 40 यहाँ पे हो गए, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट आपका यहाँ पे लग जाएगा और ये यहाँ जाएगा, क्योंकि 5 × 20 दो तो पॉइंट इसके हो गए और ये 20 × 40 हो गए, ठीक है, और फिर क्या आएगा, ये pq आएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी अपना कर सकते हैं, तो आप लोग इसको एक बार देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा ये हो गया, इसमें यहाँ से आंसर आ गया। तो इसके बाद हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में हमें क्या करना है, सोल एक्सरसाइज 9.5 in फेयर नोटबुक, आपको 9.5 एक्सरसाइज को फेयर नोटबुक में अच्छी तरह से सोल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।